हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिप्रा गोयल। वेलकम टू मेडिपीडिया। सो आज हमारे साथ है स्टूडेंट स्नेहल, जो कि एमबीबीएस कर रहे हैं कजाकिस्तान से, कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से। आज वो हमारे साथ अपना फीडबैक शेयर करेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में और उन्होंने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज किया। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है कजाकिस्तान को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो स्नेहल, ओवर टू यू। आप अपने हमारे व्यूअर्स को अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो, आई एम स्नेहल हुवाल फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र, पर्सुइंग माय एमबीबीएस इन कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ओके, गुड। So, Snehal, there are lot many universities in Kazakhstan and there are lot many countries, right? आप यूक्रेन से, रशिया से, या फिर बांग्लादेश से, चाइना से, कहीं से भी एमबीबीएस कर सकते थे, बट आपने कजाकिस्तान को और कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी को ही क्यों चूज किया? एक्चुअली मेरा फ्रेंड है, वो भी वहीं से पढ़ रहा है अभी, तो उसका रिव्यू भी काफी अच्छा था। और यूनिवर्सिटी जो है काफी स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन है, और स्टाफ भी काफ़ी एजुकेटेड है, और बस, और इंडिया के पास भी है। तो जी, ओके, गुड। सो इंडिया के पास है, आपके फ्रेंड ऑलरेडी पढ़ रहे थे, तो आपको पता है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, एंड मोर ओवर आई थिंक ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज ऑल्सो 5 years, तो आपका एक साल ऑलरेडी सेव हो जाता है। गुड। सो आपका वहाँ पे, आपने जैसे मेडिपीडिया के थ्रू एडमिशन लिया है, तो आपने मेडिपीडिया को क्यों चूज किया? बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है, आपने ऑलरेडी बहुत सारे कंसल्टेंट्स को विजिट भी किया था और ऑलरेडी आप डॉक्यूमेंटेशन कहीं स्टार्ट भी कर रहे थे, राइट? देन व्हाई मेडिपीडिया? एक्चुअली यूट्यूब पे वीडियो चल रहा था विवेक चंद्रा सर जी का, उनके वीडियो में मैंने ये मेडिपीडिया, उन्होंने मेंशन किया था मेडिपीडिया को, तो वहीं से मैंने कांटेक्ट किया। फिर सर भी, अनमोल गुप्ता सर ने मुझे अच्छे से गाइड किया, फिर पुणे विजिट किया था। सो ओके, सो जब आपने मेडिपीडिया पुणे ऑफिस विजिट किया, तो आपको कौन से काउंसलर ने वहाँ पे गाइड किया? निहारिका मैम थी, शी वॉज रियली कोऑपरेटिव, उन्होंने अच्छी हेल्प करी। फिर अनमोल गुप्ता सर जी अभी जो है वो मुझे हेल्प करते हैं जी। ओके, ग्रेट। तो मतलब आपको फिजिकल काउंसलिंग पुणे ऑफिस में निहारिका मैम ने प्रोवाइड की, और अभी आपको सपोर्ट सिस्टम अनमोल सर प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज गुड। आपने जो ट्रस्ट किया, वो क्या ट्रस्ट बरकरार रहा? जो आपने सोचा था सर्विसेज मेडिपीडिया से मिलेंगी, क्या वो सर्विसेज आपको मिली, या फिर कोई, मतलब जो आपसे कमिटमेंट की गई थी उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं? एवरीथिंग इज गुड एक्चुअली, काफी हेल्पफुल है स्टाफ सारा, ऑल आर गुड, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, ग्रेट, ग्रेट स्नेहल। अभी हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में कजाक नेशनल का। जैसे कि बिकॉज ऑफ पैंडेमिक सिचुएशन, आपकी सारी क्लासेस ऑनलाइन ही चल रही हैं, तो एजुकेशन आपको ऑनलाइन में चीजें समझ आ रही हैं, कैसा लग रहा है, और किस लैंग्वेज में आपकी स्टडीज हो रही हैं? बेसिकली इंग्लिश में ही है सब कुछ, इंग्लिश में ही होगा, और क्लासेस एक्सपेक्टेशन से कई ज़्यादा अच्छा है एक्चुअली, स्ट्रिक्ट है, कंपलसरी अटेंडेंस देनी पड़ती है, टास्क जो है वो यूँ हर दिन जो है वो टास्क मिलता है, वो सबमिट करना पड़ता है, कुछ सब कुछ ठीक है। ओके, गुड। आई थिंक एवरी डे अगर आपको असाइनमेंट मिलती है, तो एक पढ़ने का चार्म भी रहता है। आई नो इट्स हेक्टिक, बट ओवरऑल एमबीबीएस में एफर्ट्स तो करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, बाकी यूनिवर्सिटीज में भी करना पड़ेगा, राइट? बट आपके साथ साथ में कोई लैंग्वेज क्लासेस चल रही हैं? जी जी, चल रही है। कौन कौन सी लैंग्वेज? रशियन लैंग्वेज और कजाक। रशियन और कजाक चल रही है, बट आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो फुली इंग्लिश है या उसमें अदर लैंग्वेजेस भी यूज कर रहे हैं? फुली इंग्लिश है। ओके, गुड गुड। तो अगर आपसे कोई जूनियर्स पूछते हैं या आपके फ्रेंड्स पूछते हैं कि उनको भी इस ईयर एडमिशन लेना है, तो क्या आप उनको कजाक नेशनल सजेस्ट करेंगे? जी, करेंगे। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पूछना चाहूंगी, बिकॉज ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि आप टीचर से फिजिकली मिल नहीं रहे हैं, तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप अपनी क्वेरीज को कैसे टेक केयर करते हैं? क्लास में भी पूछ सकते हैं मैम को, शी विल डेफिनेटली हेल्प। अगर नहीं भी तो पर्सनली उनके जो पर्सनल नंबर जो है वो हमारे पास होते हैं ऑलरेडी, तो हम पर्सनली पूछते हैं मैम से, तो वो फुल्ली डाउट क्लियर करती भी है और एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल जो है वो भेजती रहती है। बट एज ए फैकल्टी आपको कभी ऐसा फील होता है कि वो इंडियंस को अलग ट्रीट कर रही है? आपकी जो क्लासेस लग रही हैं वो इंडियंस की ही सिर्फ अलग लग रही हैं या बाकी कंट्रीज के भी स्टूडेंट्स हैं उन क्लासेस में? नहीं, बस इंडियंस की अलग अलग होती है और कुछ डिफरेंस नहीं है, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है, तो इंडियंस की आपके अलग बैच है ना? राइट, बिकॉज एक्चुअली दे डिवाइड द स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादा है तो वो डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे बैचेस में, राइट? तो अभी जूम क्लास में आपके कितने लोग कनेक्ट करते हैं? 15 के आपके बैचेस बने हैं। गुड गुड गुड, दैट्स ग्रेट। ओके, और आप अगर आपके लाइक मेडिपीडिया को आप रिकमेंड करोगे, अगर किसी को मेडिपीडिया से एडमिशंस लेना है, व्हाट डू यू थिंक इज इट द राइट प्लेटफॉर्म फॉर अ मेडिकल स्टूडेंट टू डू द एमबीबीएस? ऑब्वियसली दे आर ट्रस्टेड, फ्रेंडली, अ गुड एनवायरनमेंट। ग्रेट ग्रेट स्नेहल, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। And in future, if you need any help from us, आप निहारिका मैम को, मेरे को, अनमोल सर को, किसी को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी मतलब हमेशा हमारी टीम आपके सपोर्ट के लिए रहेगी। देन आप अपना पीजी के लिए भी फ्यूचर प्लान बना सकते हैं कि आपको आगे फर्दर क्या करना है, बिकॉज मेडिपीडिया पीजी के एडमिशंस में भी सपोर्ट करता है। आपको इवन नेक्स्ट की कोचिंग कैसे करवानी है उसके लिए भी हमने ऑलरेडी प्लान आउट किया हुआ है। तो आप मेडिपीडिया टीम के साथ टच में रहिए, डेफिनेटली यू विल बी अ ग्रेट डॉक्टर एंड वी विल सी यू इन वाइट कोट सून, राइट? So thank you so much and thank you everyone for watching and Sneha ने आपके साथ बहुत अपना feedback share किया है, तो आप video को like जरूर करिए। अगर आपकी कोई queries हैं तो comment box में डाल दीजिए और channel को subscribe कर लीजिए, okay? बाकी आपको आप Medipedia के कोई offices भी visit कर सकते हैं अगर आपको one-to-one counseling चाहिए। Thank you।